सिद्धरामैया आज लेंगे कर्नाटक के सीएम महोदय का हलफ। डीके शिव कुमार होंगे रियासत के डिप्टी सीएम। 26 एमएलए भी ले सकते हैं औहदे और राजधारी का हलफ। समीर अहमद खान और यूटी खादर का वजीर बनना तय और एक मुस्लिम एमएलए को वजीर बनाने की चर्चा लगातार जारी। जी परमेश्वर समेत कुछ और दलित ओबीसी एमएलए को मिल सकती है वजारत। अपोजिशन लीडरान का आज बेंगलुरु में जमघट। नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव, ठाकरे हो सकते हैं उद्धव ठाकरे भी शामिल। तो आपको बता दें नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे भी इस हलफ बर्दारी में शामिल हो सकते हैं। सिद्धरामैया आज शपथ लेने जा रहे हैं 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर। वो दूसरी बार शपथ लेंगे। 26 एमएलए भी उनके साथ औहदे और राजधारी का हलफ ले सकते हैं। जमीर अहमद खान, यूटी खादर का नाम भी लगभग वजीर बनने के लिए तय है। नीतीश कुमार, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे तमाम अपोजिशन लीडरान इसमें शामिल हो जाएंगे। जयपाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर सीधा जुड़ रहे हैं। जयपाल, आज जिस तरह से शपथ लेने जा रहे हैं सिद्धरामैया, तमाम खींचतान 7 दिन तक जारी रही लेकिन आज शपथ होने जा रही है और इस हलफ में कई अपोजिशन लीडरान भी शामिल होने जा रहे हैं और ये आज कहा जा सकता है कर्नाटक के लिए हिस्ट्रिकल और ऐतिहासिक दिन होगा। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, इस वक्त जो है बेंगलुरु के कंटेनवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। स्टेडियम को जो है पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। तो जिस वक्त ये ऐतिहासिक क्षण होगा कांग्रेस के लिहाज से, तो उस मैदान के अंदर लगभग 50,000 के आसपास लोग मौजूद होंगे जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जैसा आपने पहले बताया कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जो है इनका एक मंत्रिमंडल भी शपथ ग्रहण में शामिल होगा। हालांकि उनके नंबर्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ये संख्या 20 से 25 या 26 के आसपास की हो सकती है, क्योंकि इन्हीं नामों पर चर्चा करने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों कल दिल्ली पहुंचे थे और दिन भर इसके ऊपर में उन्होंने हाईकमान के साथ बैठ के चर्चा की। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद उनके पास जो है उनको हर तबके से, समाज के हर तबके से, भले वो मुस्लिम हो, लिंगायत हो, वो कालिका हो, दलित हो, कुर्बा हो, हर तबके से उनको वोट मिले हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है कि उनके हर तबके से या हर रीजन से, क्षेत्र से उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल के अंदर होना चाहिए। तो यही वो वजह थी जिसके कारण दोनों नेता दिल्ली गए और तमाम नामों के ऊपर में चर्चा की। कुल मंत्री पद जो है वो 33 के हैं मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 25 के आसपास या 26 के आसपास जो है मंत्रिमंडल के लोग आज शपथ लेंगे। हालांकि कुछ सीटों को जरूर कांग्रेस ने बचा के रखा है आने वाले समय के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इस जीत के बाद उनका हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है और इसलिए जो है देश के तमाम वैसे दल जो खास करके केंद्र में भाजपा के विरोध में, उन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है। एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, एनसीपी। कहा जा सकता है अब इस शपथ ग्रहण समारोह में अपोजिशन लीडरान की एक बड़ी खेप नजर आएगी। साथ ही दूसरी बात, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम जो इनके विधायक होंगे, एमएलए होंगे, वो भी शपथ लेंगे और ये संख्या 26 भी हो सकती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आज जो नई सरकार बनने जा रही है उसके लिए आज से सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कौन कौन इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होगा। यहीं से चुनौती शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर में तमाम दल जो मंत्री हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहले जो है सरकार अपनी पहली कैबिनेट करेगी। और जैसा कि लगातार हम सुनते आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला ने कई बार बोला, राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर में जो वो 5 गारंटियां हैं जो जिसके बल पर ये चुनाव लड़ा गया, लोगों को बताया गया कि सरकार उनको ये देना चाहती है, उनको लेकर के एक बैठक की जाएगी। पहली कैबिनेट में उनके बात किया जाएगा। हालांकि वो जो गारंटी है उनकी रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है लेकिन
सरकार ने जरूर उसके ऊपर में अभी काम किया होगा। और आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उसको उन गारंटी को भी लागू करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तो उन गारंटियों की बात की जा रही है और सबसे बड़ी चुनौती अभी मंत्रिमंडल को बनाना होगा, उसके बाद सीधे उन 5 गारंटियों को लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच आज सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे अहम यह है। और सबसे खास बात, डीके शिवकुमार जो लग रहा था कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी इस बात पर पूरी तरह से एग्री हैं कि वो डीके शिवकुमार को पूरा सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के लिए पूरी तरह से लड़ते रहेंगे। अब ये जो बात है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री 3 हो सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में जो बाकी तबके के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं जिनसे कहा जा रहा था, जिनको ये माना जा रहा था कि वो भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो क्या ये भी चुनौती के तौर पर देखें, अब उनको नहीं बनाया जाएगा? जी देखिए, कांग्रेस को एक बीच का फार्मूला निकालना था, क्योंकि डीके शिवकुमार जो उस बात के लिए राजी नहीं थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि जो मुख्यमंत्री का पद कम से कम 2024 तक जरूर संभाले। ऐसे में जो डीके शिवकुमार को मनाने का फॉर्मूला निकाला गया, उसमें जो बात डीके शिवकुमार की ओर से कही गई, वो ये कही गई कि वो पार्टी के हित में और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसके उनके अलावा कोई और डिप्टी सीएम नहीं होगा। हालांकि अगर डिप्टी सीएम 1 से ज्यादा होते तो कांग्रेस के लिए जो आसानी जरूर होती, और इसीलिए मंत्रिमंडल का जब निर्माण किया जा रहा है तो उसके अंदर वो कोशिश इस बात की है कि हर तबके से आज करके जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिम का बहुत ज्यादा सपोर्ट इस चुनाव के अंदर में मिला, गोपालिका का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, या दलित का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, तो हर तबके से जो है ये जा रहे हैं ताकि एक जो है कॉमन तैयारी इसके अंदर की जाए। बिल्कुल, तो लगातार तैयारी देखी जा रही है और वो लगातार हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक पल होंगे जब दूसरी बार सिद्धरमैया शपथ लेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे वो किस तरह से सरकार को चला पाते हैं, क्योंकि चुनौतियां पहले ही दिन से शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जयपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।